वेलकम बैक ओल्ड बुक। हेलो स्टूडेंट, आज हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे फर्स्ट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, लेकिन मैंने फर्स्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है क्योंकि यही सबसे कंफ्यूजन वाला एक्सपेंडिचर है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। प्योर इट्स बेनिफिट एक्रू टू द बिजनेसेस फॉर ए फ्यूचर पीरियड से फॉर 3 to 5 years। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, जो हमें बेनिफिट मिलना है, हम खर्च तो एक ही बार में कर देते हैं, पेमेंट तो एक ही बार में हमने, एक ही इंस्टॉलमेंट में हमने कर दिया, लेकिन इसका हमें बेनिफिट आगे कब तक मिलना है फ्यूचर में, इसका कोई भी हमें अंदाजा नहीं होता है। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट होता है। ये कह रहा है इट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस, ये बहुत बड़ा खर्चा होता है, ठीक है, जो हम करते हैं अपने बिजनेस पर्पस से। कह सकते हैं अगर हम बात करें तो जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है कि पेप्सी हो गई, आपका वीवो हो गया, ये जो उसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? बेवजह तो करेंगे नहीं भाई, कोई भी है, मैं हूं, आप हैं, बेवजह कोई खर्चा नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, जब तक हमें उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, तब तक हम वहां एक रुपए भी खर्च करना नहीं चाहेंगे। तो वहां पर वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उनका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, उनकी करोड़ों लोगों तक रीच हो रही है, पहुंच हो रही है, लोग उस चीज को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि वीवो भी एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, पेप्सी ड्रिंक बनाती है, वेवरेज बनाती है। तो इस तरीके से वो क्या है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें क्या है, मतलब बहुत ज्यादा रीच मिले, पब्लिक रीच मिले, उनकी पहचान बने। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है इट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ द एक्सपेंसिव, ये बहुत बड़ा खर्चा होता है, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में करा जाता है। वी कैन नेवर कन्वर्ट दीज इन टू कैश, और इसे हम एक बार एक्सपेंस करने के बाद कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं। तो यहां कहा गया है कि हम इसे क्या है, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये कह रहा है वी कैन नेवर कन्वर्ट दीज इनटू कैश, ये हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चलिए ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमारा, वी राइट ऑफ दीज ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 years। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम 3 से 5 years, मतलब एक से ज्यादा सालों में हम इस खर्चे को क्या है सकते हैं, पेड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आइए समझ लीजिए। हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है एडवर्टीजमेंट, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट पे हमने कितना करा, 1 करोड़ रुपए खर्च करा, कितना, 1 करोड़ रुपए खर्च करा हमने, 1 करोड़ रुपए खर्च करा। अब इस 1 करोड़ को यदि हम एक बार में अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे तो क्या होगा, हो सकता है हमारी फर्म, हमारी कंपनी लॉस में चली जाए। जाहिर सी बात है, इतना मोटा अगर हम कोई भी एक्सपेंस एक बार में अगर दिखा देते हैं, एक बार में डेबिट कर देते हैं पेंडल में, तो हमारी कंपनी हो सकती है लॉसेस में चली जाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हम इसे मोर देन 1 year, मतलब हम आगे, ये यहां पे कहा गया ना डेफर्ड से आप समझ रहे हैं, मतलब बांट देना, अलग अलग बांट देना है, एक से ज्यादा ईयर्स में पे करने के लिए अलग अलग बांट दिया। तो कैसे बांट दिया, मान लिया हम इसे 4 ईयर्स में पेड करेंगे, तो इनटू 1/4 ये हम काट लेंगे, तो ये हमारा 25 लाख आ गया। मतलब हम 25 लाख को क्या करेंगे, पीएनएल में डेबिट कर देंगे फर्स्ट ईयर।
सेकेंड ईयर फिर हम कर देंगे, थर्ड ईयर फिर, फोर्थ ईयर, इस ढंग से रिमाइनिंग अमाउंट जो हमारा होगा वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम राइट डाउन कर देंगे। तो इस ढंग से इस एक्सपेंसेस को हम धीरे धीरे करके, क्या है, धीरे धीरे हम इस एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। मतलब सबसे बढ़िया जो इस पे दिया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट पे हमने 1 करोड़ रुपए खर्च करा था, ठीक है। अब उसे क्या था कि हम एक बार में अपने, क्या है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम 1 करोड़ रुपए एक साथ दिखा रहे हैं तो वो लॉस में जा रही है हमारी। और जबकि ये है क्या भाई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब इससे हम अर्निंग करेंगे, लेकिन है क्या एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक बार हमने जब इन्वेस्ट कर दिया पैसा तो हमें ये वापस नहीं मिलने वाला, और ये भी नहीं पता कि हमें इससे अर्निंग होगी भी या नहीं होगी। आपके अभिनेता वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो क्या कंपनी ने उनसे भाई मसाले का एडवर्टीजमेंट करवा लिया, किसी से गाड़ी का एडवर्टीजमेंट करवा लिया, तो अब ऐसा नहीं, एडवर्टीजमेंट कराया तो उन्हें करोड़ों में फीस देनी पड़ती है स्टार्स को। अब वो करोड़ों में फीस देने के बाद ये जरूरी नहीं है कि उन्हें वो 1 साल में रिकवर हो जाएगा, 2 साल में रिकवर हो जाएगा, या उससे बेनिफिट होगा भी या नहीं होगा। तो ये अमाउंट हमारा इन्वेस्ट हो गया, इसे अब हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब अब इसे हम आगे फ्यूचर में क्या, धीरे 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 इससे हम अर्निंग करेंगे, क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल से मतलब मेरे एसेट्स, तो यहां पे कहा जा रहा है इट्स बेनिफिट एक्योर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू द बिजनेसेस से फॉर 10 to 5 years। मतलब ये हम क्या है, लॉन्ग टर्म्स के लिए करते हैं खर्चा, और किस लिए करते हैं ये, अपने बिजनेस की एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। तो उसके लिए करते हैं परचेज ऑफ एन एसेट्स। तो एसेट्स में क्या क्या हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, एंड मशीनरी हो गई। प्रोडक्शन हमारा कैसे बढ़ेगा, मान ली पहले 1 मशीन थी, उसके हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है क्योंकि हमारे पास डिमांड ज़्यादा आने लगी, अब 1 मशीन की कैपेसिटी हमारी 100 बैग्स बनाने की है, तो हमें 200 बैग्स चाहिए महीने में। तो अब वो मशीन हमारा फुलफिल नहीं कर रही है हमारी जो नीड है, तो हम 1 मशीन और इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा मशीन खरीदने के लिए, फर्नीचर जो हमारा बिजनेस फर्नीचर वगैरह होता है वो, फिर आगे आपका कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह जो खरीदते हैं, पेटेंट वगैरह ब्रांड जो होता है, ठीक है, उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे। तो ये हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। इट, अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या इसका, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट एनी टाइम एज दीज आर यूजुअली इन्वेस्टमेंट इन एसेट। हम इसे कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता था, वी कैन नेवर कन्वर्ट दीज इनटू कैश। तो यहां पे तो जो हमने खर्चा कर दिया वो गया, उसे हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि हम इसे कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों, ये हमारी एक ऐसी एसेट्स है जिसे हम क्या है, हमारे सामने है, मौजूद है, टच कर सकते हैं, इसे हम क्या है कभी भी बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई मशीनरी है हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, पेटेंट हो गया, इसे हम कभी बेचकर अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड है, वी डू नॉट राइट ऑफ देम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये हम एक टाइम पीरियड ही राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पे कहा गया है वी डू नॉट राइट ऑफ देम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड होता है इसमें राइट ऑफ करने का। आई होप स्टूडेंट ये आपके क्लियर हो चुके होंगे पॉइंट, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।